ये कैसा प्रेम? बेरहमी से प्रेमी ने प्रेमिका को पीटा, मुंह पर मारी लातें। सीएम योगी की तरह सीएम शिवराज ने भी लिया तगड़ा एक्शन। गर्लफ्रेंड को जानवरों की तरह पीटने वाले शख्स के घर पर चला बुलडोजर, सीएम शिवराज सरकार ने कर डाला हिसाब। मध्य प्रदेश की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश को भी अपराध मुक्त बनाएंगे। अपने राज्य को बहन बेटियों के लिए सुरक्षित करेंगे, तभी तो बहन बेटियों पर हाथ उठाने वालों को क्या सजा मिलती है, शिवराज सरकार ने यह बता दिया। साथ ही प्रदेश में संदेश दिया है कि बाबा की तरह अब मामा का बुलडोजर चलेगा, हर अपराधी को बर्बाद कर देगा। मामा शिवराज का बुलडोजर अब उस आरोपी पर चला है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। वीडियो में यह शख्स अपनी प्रेमिका को जबरदस्त तरीके से मार रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सरकार ने यह तगड़ा एक्शन लिया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो मध्य प्रदेश के रीवा का बताया जा रहा है। इससे दिल दहला देने वाले वीडियो में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की जमकर पिटाई कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, उसके पेट और चेहरे पर लात मार रहा है, उसे जमीन पर पटक रहा है। जब तक युवती बेहोश नहीं हो जाती है तब तक लड़का उसे जानवरों की तरह पीटता रहता है। ये वीडियो इतना भयंकर और दर्दनाक है कि इसे आपके लिए यहाँ पर दिखाना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इस वीडियो को जिसने भी देखा तुरंत उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ट्विटर पर लोग सीएम शिवराज को टैग करते हुए और इस मामले में ठोस कदम उठाने की मांग करते हैं। शाम होते होते इस आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की खबर भी आ गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज के कार्यकाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। आरोपी पंकज त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पंकज त्रिपाठी को देर रात पुलिस ने मिर्जापुर से गिरफ्तार किया। अपराधी पेशे से ड्राइवर है, इसलिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया है और उसके अवैध घर को भी गिरा दिया गया है। अब मध्य प्रदेश के रीवा के मऊगंज थाने के TI को भी इस मामले में लापरवाही हेतु निलंबित किया गया है। अब मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने आरोपी पंकज त्रिपाठी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया है। प्रशासन का कहना है कि पंकज त्रिपाठी का घर अवैध रूप से बनाया गया था, जिस कारण उसे तोड़ दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने पंकज त्रिपाठी का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का भी आदेश दिया है, जिसके लिए MP सरकार ने पंकज त्रिपाठी का ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया है। पुलिस ने पंकज पर अपहरण, मारपीट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। इसके अलावा वीडियो बनाकर वायरल करने वाले आरोपी भारत साकेत के खिलाफ भी IT एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि पंकज त्रिपाठी की प्रेमिका ने उससे शादी की बात कही तो वो भड़क उठा। वो इतने गुस्से में आ गया कि अपनी प्रेमिका को उठाकर पटक दिया, उसे लात घूंसों से पीटने लगा। उसने उछलकर अपनी प्रेमिका के मुंह पर ऐसी लात मारी कि वो बेहोश हो गई। इतनी क्रूरता के दौरान एक शख्स लगातार वीडियो बनाता रहा, बाद में पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों के खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी अपराध करने वाले अपराधी पर कानून के हिसाब से तुरंत और कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जो भी अपराधी महिलाओं का सम्मान न कर सके उसे सभ्य समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कार्रवाई करते हैं, बहन बेटियों को परेशान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं, उसी तरह से अब मध्य प्रदेश के सीएम जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।